हेलो वेलकम टू पिकअप मैथ्स माय सेल्फ आरुषि चतनानी इस वीडियो में हम क्लास नाइन के चैप्टर नंबर थर्टीन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर एट को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एट इज ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग फिफ्टी होलोकोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड तो स्ट्रेंड्स बस स्टॉप है और रोड है उसके बीच में 50 होलोकोन्स की बैरिकेटिंग की गई है बैरिकेटिंग मतलब रुकावट तो स्ट्रेंड्स ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेटिंग की जाती है अब बस स्टॉप और रोड के बीच में बैरिकेटिंग की गई है सो दैट की जो ट्रैफिक है यानी कि भीड़ है या फिर व्हीकल्स है वो डायरेक्टली जो है रोड में ना जाए और रोड की जो ट्रैफिक्स है वो डायरेक्टली बस स्टॉप की तरफ ना आ सके इसलिए 50 हॉलोकोन्स की बैरिकेटिंग की गई है और जो कॉन्स हैं वो रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए हैं ईच और हाइट जो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ट्वेल्व पर मीटर स्क्वायर तो सेंड अब सारे कॉन्स के आउटर साइड की पेंटिंग होनी है आउटर साइड मतलब एरिया में पेंटिंग होनी है और रेट गिवन है रुपीज ट्वेल्व पर मीटर स्क्वा What will be the cost विल बी of पेंटिंग ऑफ ऑल तो सारे पेंटिंग का कॉस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है तो so, इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे जहाँ पाई आएगा वहाँ पे हम पाई का वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर लेंगे और अगर हमारे सॉल्यूशन में कहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ वन पॉइंट जीरो फोर आता है तो हम उसका वैल्यून पॉइंट जीरो टू लेंगे तो क्वेश्चन आपको क्लियर है कौनस है कौनस की पेंटिंग होनी है आउटर साइड में फिफ्टी कौनस की और उसका हमको कॉस्ट फाइंड करना है अगर रेट रुपीज ट्वेल्व पर मीटर स्क्वायर है अब फ्रेंड्स अगर मैं एक कोन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर मुझे गिवन है हाइट गिवन है इसके आउटर साइड में यानी कर सरफेस एरिया में पेंटिंग होनी है तो एरिया ऑफ वन कोन टू बी पेंटेड करना मतलब कि कर सरफेस एरिया निकालना होगा फिर तो फ्रेंड्स अगर मैं एरिया ऑफ वन कोन निकाल लेती हूँ तो मैं क्या करूँगी उसको फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो एरिया ऑफ फिफ्टी कौन से भी पेंटेड आ जाएगा फिर मुझे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या करेंगे एरिया ऑफ फिफ्टी को मल्टीप्लेस रेट गिवन तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ वन कोन टू बी पेंटेड इसके आउटर साइड में पेंटिंग हो रही है दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया में तो हम एरिया ऑफ कोन का हमला लग, यहाँ लगा लेंगे पाई आर एल स्ट्रेंड्स पाई पाई का वैल्यू यहाँ पे थ्री पॉइंट वन फोर क्वेश्चन में कहा गया था लेना है तो हम थ्री पॉइंट वन फोर ले लेते हैं ना आज जो है स्टूडेंट्स रेडियस है हमें रेडियस नहीं गिवन लेकिन डायमीटर गिवन है तो हम डायमीटर से इजीली निकाल सकते हैं डायमीटर अगर फोर्टी सेंटीमीटर है तो यू ऑल नो दैट रेडियस उसका हाफ होगा तो रेडियस हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर बट स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हाइट मीटर में है रेट भी मीटर स्क्वायर में पर मीटर स्क्वायर में है तो आर जो है वो हमारा भी सेंटीमीटर में इसे हमें मीटर में चेंज करना होगा तो मीटर में चेंज कर लेते हैं तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें ट्वेंटी को हंड्रेड से डिवाइड करना होगा तो अब ये हो गया मीटर में अब सिंस ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल हो सकता है टू बाई टेन हो जाता है पॉइंट टू तो आर हमारा हो गया ज़ीरो पॉइंट टू मीटर तो इसका आर का वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं जीरो पॉइंट टू मीटर अब एल एल है स्लैंड हाइट हाइट हमें नहीं की है, लेकिन एच और आर के थ्रू हम एल को निकाल सकते हैं यू ऑल नो दैट एल स्क्स टू एच स्क्स एच का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर आर का स्क्वायर यानी पॉइंट टू का स्क्वायर तो सेंस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है और पॉइंट टू का स्क्वायर हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर अब मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो एल स्क्वायर हो गया वन पॉइंट जीरो फोर अब सेंस मुझे तो एल चाहिए तो मैं क्या करूँगी इसको स्क्वायर रूट ले लूँगी तो एल इजिकल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वन पॉइंट जीरो फोर और सेंस वन पॉइंट जीरो फोर का स्क्वायर रूट का वैल्यू हमें यहाँ गिवन है वन पॉइंट जीरो टू हम इसको वन पॉइंट जीरो टू लेते हैं अब देखिए एच मीटर में था आर भी हमने मीटर में कर दिया था तो एल क्या हो जाएगा वो भी मीटर में ही होगा अब ये एल का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं ये हो गया वन पॉइंट ज़ीरो टू मीटर अब सिंट्स इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे हम लेटर सॉल्व करेंगे अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ फिफ्टी कोन्स टू बी पेंटेड तो एरिया ऑफ फिफ्टी कोन्स टू बी पेंटेड तो सिंस इसके लिए क्या करना होगा जस्ट हमें फिफ्टी से इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा तो फिफ्टी मल्टीप्लाइज थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाइज जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाइज मीटर मल्टीप्लाई मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर अब स्क्वा मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूं तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टेन टेन सेन फोर मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा थर्टी वन पॉइंट फोर थर्टी फोर से वन पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई करूंगी तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू हो जाएगा थर्टी टू पॉइंट जीरो टू एट मीटर स्क्वायर अब हमने एरिया ऑफ कौन तो पेंटेड निकाल लिया अब स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग करना है हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ फिफ्टी ये फाइंड आउट करेंगे इसके लिए हमें क्या है एरिया फिफ्टी और रेट को मल्टीप्लाई करना होगा एरिया ऑफ फिफ्टी को मतलब जहां पे पेंट हो रहा है वो एरिया ठीक तो यहाँ पे एरिया फिफ्टी कौन टू बी पेंटेड हमने निकाला था थर्टी टू पॉइंट जीरो टू एट और रेट गिवन है रुपीज ट्वेल्व पर मीटर स्क्वायर अब ये मीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर था तो ये मीटर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा अब थर्टी टू पॉइंट जीरो टू एट रुपीज ट्वेल्व इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज़ थ्री एटी फोर पॉइंट थ्री थ्री सिक्स अब सेंस क्योंकि हम रुपीज में ले रहे हैं तो हमें पॉइंट के बाद सिर्फ दो डिजिट लेना होगा तो इसको हमको राउंड ऑफ कर रहा होगा राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिक्स है और फाइव से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा तो थ्री बन जाएगा फोर तो ये हो जाएगा तो रुपीज थ्री एट्टी फोर पॉइंट थ्री फोर अब हमने इसको राउंड ऑफ किया है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं तो अप्रोक्सीमेटली का शॉर्टकट हो गया अप्रोक्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर एट को सॉल्व कर लिया है फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर टिल